नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, इंस्ट्रक्टर कोपा, गवर्नमेंट आईटी राजगढ़। ई लर्निंग की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है CSS इन HTML टेबल। HTML टेबल में हमने CSS का यूज़ करना है, तो इसका यूज़ करने से पहले हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। CSS प्रॉपर्टीज़, टेबल बॉर्डर। जब भी हमने टेबल पे बॉर्डर डालना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज होगा। एग्जांपल इसका कुछ इस तरह लिखेंगे, टेबल THTD बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ब्लैक। मार्जिन और पैडिंग जब भी हमने डालनी है तो मार्जिन के लिए मार्जिन, पैडिंग के लिए पैडिंग। विड्थ के लिए हमने विड्थ सेट करनी है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होगी विड्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बॉर्डर कोलैप्स। जैसे हमारे अगर दो बॉर्डर बन जाते हैं, हमने जनरली HTML में देखा था कि टेबल के बाहर दो बॉर्डर बन जाते हैं तो कोलैप्स करके ये एक ही रह जाता है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए बैकग्राउंड URL, जब अगर हमने बैकग्राउंड में इमेज सेट करनी हो तो उसके लिए बैकग्राउंड URL, इसके आगे हम उसका इमेज का पाथ लिखते हैं। बैकग्राउंड कलर, अगर आपने बैकग्राउंड का कलर सेट करना हो। कलर, अगर आपने फॉन्ट का कलर सेट करना हो। TRNth चाइल्ड ऑड इवन, अगर आपने ऑड और इवन, जैसे जो टेबल होता है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, अगर आपने ऑड के ऊपर ऑपरेशन करने हैं तो यहाँ पे ऑड लिखेंगे। ये nth चाइल्ड, ये मतलब एक हेडर है एक टेबल के, जो जितनी भी रोज है उसको वो एज अ चाइल्ड कंसिडर करते हैं, तो ये ऑड और इवन के लिए। ट्रांसफॉर्म, अगर आपने इसको हिलाना हो। और एच ओवर बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, आगे जब हम ड्रॉप डाउन मेनू बनाएंगे तब भी इसका यूज़ होगा। एच ओवर से का मतलब होगा कि जब हम इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो हम कुछ इन प्रॉपर्टियों का यूज़ करते हुए एक CSS का टेबल बनाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक HTML फाइल बना रखी है, इसका टाइटल हमने टेबल लिखा है। बॉडी में हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें कुछ रोज़ डाल देते हैं। रोज़ में हम हेडर लिखते हैं, हेडर सीरियल नंबर, देन फर्स्ट नेम, देन लास्ट नेम, देन ट्रेड, और एक और ऐड कर देते हैं IT नेम। अब टेबल डाटा में हमने सीरियल नंबर 1 लिख दिया है, मुकेश कुमार इलेक्ट्रिशियन, गवर्नमेंट IT राजगढ़, इसको मैंने कॉपी कर लिया, सीरियल नंबर 2 कर दिया है, इसकी जगह राहुल लिख दिया है, इलेक्ट्रिशियन की जगह कोपा लिख दिया है, और राजगढ़ की जगह सोलन लिख दिया है। दोबारा मैंने पूरी रो को कॉपी करके इसको 3 कर दिया है, मनीष कुमार सरवेर गवर्नमेंट IT राजगढ़। दोबारा से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और 4th पे मैंने लिख दिया अंकित इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आउटपुट देखते हैं, ये कुछ इस तरह दिख रही है, हमारा टेबल कुछ इस तरह दिख रहा है। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल के लिए हेड पे जाके हम स्टाइल टैग लिखेंगे। सबसे पहले हम मार्जिन और पैडिंग को 0 कर देंगे। मैंने बताया था कि जब स्टार के बाद आप जो भी लिखते हैं वो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, मतलब सभी के लिए। तो मैं सारा मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देता हूँ। अब भी मैं टेबल के लिए लिखता हूँ, टेबल की मैं विड्थ सेट कर देता हूँ 600 pixel, और तो ये टेबल कुछ इस तरह दिखेगा। अब हम बॉर्डर डालेंगे,
टेबल में टी डी और टी एच का बॉर्डर 1 pixel सॉलिड लाइट ग्रे। तो देखिए कुछ इस तरह हो गया है। हम इसमें पैडिंग दे देते हैं, इसमें पैडिंग 20 पिक्सल की दे देते हैं। पैडिंग के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। अभी हम इसको यूनिवर्सल फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फॉन्ट फैमिली एरियल। यूनिवर्सल फॉन्ट फैमिली का सारा ये एरियल हो गया है। एक बॉक्स साइजिंग होती है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी यहाँ पे जो ये डबल बॉर्डर है इसको हटाने के लिए मैंने आपको बताया था बॉर्डर कोलैप्स होता है, बॉर्डर कोलैप्स को कोलैप्स कर देना है। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। इसके हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दिया। तो ये सारे सेंटर अलाइन हो गए हैं। अब इसमें कर्सर की पोजीशन को भी कर्सर कर देते हैं, कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। कर्सर को पॉइंटर करके अभी देखिए इसके ऊपर कर्सर कुछ इस तरह आ रहा है। जब हम पॉइंटर करेंगे तो इसके ऊपर ये पॉइंटेड रहेगा। अब हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल कर दिया मैंने। तो ये कुछ इस तरह हो गया है। तो अभी हमारा कुछ टेबल इस तरह बन गया है। इसके टी एच के लिए भी मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देता हूँ और फॉन्ट कलर वाइट दे देता हूँ। फॉन्ट कलर के लिए सिंपली वाइट कलर टाइप करना होता है। तो ये कुछ इस तरह बन चुका है। टेबल में हम बॉक्स शैडो दे देते हैं, बॉक्स शैडो -1 pixel 12 pixel 12 pixel -6 pixel RGBA 0005। मतलब ये चारों साइड्स होती है, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम। तो देखिए इसमें कुछ एक शैडो आ चुकी है, ऐसे हमने इसमें ये प्रॉपर्टी लगाई। अब हम इसको बॉडी में थोड़ी प्रॉपर्टी लगाते हैं, बॉडी का स्टाइल लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी का स्टाइल लिखता हूँ। बॉडी में पहले मैंने हाइट 100 VH, बॉडी की ये हाइट 100 VH होती है। जैसे पिक्सल होती है ऐसी प्रॉपर्टी होती है एक हाइट। डिस्प्ले ग्रिड ये ग्रिड की तरह डिस्प्ले आ चुका है इसका। प्लेस आइटम सेंटर, प्लेस आइटम्स सेंटर, प्लेस आइटम सेंटर करते ही जितनी भी आइटम होगी ये सारी सेंटर में आ जाएगी। अब हम इसके कलर देंगे। nth चाइल्ड बताया था अभी मैंने, nth चाइल्ड। तो हम इसके ऑर्डर इवन के लिए nth चाइल्ड देते हैं, tr nth चाइल्ड ऑड। पहले हम ऑड के लिए लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर इसको लाइट ब्लू दे देते हैं। तो ये लाइट ब्लू हो चुका है। और ऐसे ही इवन के लिए हम
इवेंट के लिए हम एक हल्का सा ग्रे, ये थोड़ा ग्रेश कलर बन जाएगा। तो ये हमने इसके बैकग्राउंड कलर दे दिए हैं। अब हमने एच ओवर कि जब हम इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो क्या होगा। पहले हम ऑड के लिए लिखते हैं एच ओवर। जैसे ही इसके ऊपर माउस जाएगा, मैंने बताया था एच ओवर प्रॉपर्टी, तो इसका बैकग्राउंड कलर टेक्सचर ब्लू हो जाएगा, कलर वाइट हो जाएगा। तो इसका देखिए कलर और ऑलो का हो रहा है। थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में डाल देते हैं, ट्रांसफॉर्म में हम इसकी स्केल बढ़ा देंगे, स्केल 1.5 कर देते हैं। मतलब इसका साइज देखिए थोड़ा बड़ा हो गया। तो अब देखिए जैसे इसके ऊपर माउस आ रहा है एकदम ये बड़ा हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा धीरे से बड़ा हो, तो इसके लिए ट्रांजिशन होती है, ट्रांजिशन होती है ट्रांसफॉर्म 300 मिलीसेकंड इज इन। अब देखिए थोड़ा ये रुक के आ रहा है। सेम चीज हम इवन के लिए लिख देते हैं, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर देते हैं। लाइट ग्रे के अंदर व्हाइट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर वो दिखेगा नहीं, इसलिए कुछ ये इस तरह बन चुका है। अब हम थोड़ा बॉडी में इमेज वगैरह सेट कर लेंगे। हम बॉडी की प्रॉपर्टी में गए, बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए होता है URL, और मैंने एक इमेज ऑलरेडी प्लेस कर रखी अपने फोल्डर में, इसका नाम है image.jpg। तो ये बैकग्राउंड में एक इमेज आ चुकी है। मैं बैकग्राउंड साइज को इसको 100% करता हूँ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। तो ये कुछ इस तरह दिख रही है। बैकग्राउंड रिपीट को भी मैं रिपीट कर दूँ कि बैकग्राउंड रिपीट को मैं रिपीट कर दीजिए। तो हमारा टेबल देखिए इस तरह दिख रहा है। आप इसमें लीनियर ग्रेडियंट भी डाल सकते हैं, मतलब लीनियर ग्रेडियंट RGBA, इसके कलर 0000 RGBA 0006। तो जैसे मैंने लीनियर ग्रेडियंट डाला तो देखो इसमें यहाँ पे ये थोड़ा ब्लैकिश हो गया है। तो इस तरह हम टेबल बनाते हैं, CSS का यूज़ करते हुए हम अपने टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया है। आप इसे देखिए, पढ़िए, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।